हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चना चाट मसाला जो झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी टेस्टी और बनाना भी आसान है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने चने को भिगोकर अंकुरित होने के लिए रख दिया था, तो ये अंकुरित होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस को करने में एक दिन लगेगा। प्रेशर कुकर लेंगे, प्रेशर कुकर में सारे चने डाल देंगे और इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये भीग जाए, और एक चौथाई चम्मच इसमें हल्दी पाउडर और नमक डालकर दो सीटी तक या तीन सीटी तक पकाएंगे। जब तक हमारे चने पक रहे हैं तो इधर हम इसके तड़के की तैयारी कर ले हैं। तो मैंने 4 से 5 प्याज को इस तरीके के लंबे लंबे स्लाइसेस कर लिया है, उसे हम अच्छी तरीके से मल लेंगे ताकि इसका हर लेयर अलग अलग हो जाए। इसी तरीके से अदरक लहसुन हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे, क्योंकि इसके बिना तो ये चाट बिल्कुल अधूरी है और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए, इसी तरीके से सारे अदरक लहसुन ने चॉप कर लिया। फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन में 1 स्पून तेल डालेंगे, 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे, जो बारीक अदरक लहसुन और हरी मिर्च काटा था ना, एक एक करके सभी को हम डाल देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा तो अब बारीक कटा हुआ हम प्याज डालेंगे, जो लंबे लंबे स्लाइसेस में हमने काटा था ना, इसे डालकर हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो प्याज डालने के बाद इसे कंटिन्यू हम मिलाते रहेंगे ताकि एक सतह से जले ना, हम इसे छोड़ देंगे तो जल्दी जल भी जाएंगे। इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे, जब हमारा प्याज भुनने लग जाएगा तो कुछ कलर इस तरीके से चेंज होता जाएगा। जब तक प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक भुनेंगे। मसाले ऐड करेंगे तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला डालकर इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक मसाले अच्छी तरीके से ना पक जाए। इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। देखिए, मसाले कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से पक रहे हैं, तो तेल भी अच्छी तरीके से छोड़ रहा है। तो अभी बारीक कटे हुए हमने टमाटर डालेंगे। टमाटर भी तब तक पकाएंगे जब तक बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, टमाटर भी बिल्कुल मुलायम ना हो जाए। देखिए, टमाटर हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं और ये तेल भी मसालों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से छोड़ दिया। तो अब हम बॉयल किए हुए जो चने डालेंगे, जो हमने प्रेशर कुकर में से पकाया था ना, इसे डालकर अच्छी तरीके से हम इसे मसालों के साथ कंटिन्यू भूनेंगे। और ये थोड़ा थोड़ा पानी हल्का हल्का दिख रहा है ना, इसे अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। इसे ज़्यादा प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगेगा, 2 या 3 मिनट में अच्छी तरीके से सूख भी जाएगा और हमारा ये रेडी भी हो जाएगा। देखिए, जब ये अच्छी तरीके से तैयार हो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। दो में हरी मिर्च को इस तरीके के लंबे लंबे पीस में काट दे रही हूँ, तो इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ऊपर से हरा धनिया डालकर इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ये हमारा सुपर टेस्टी चना चाट बनकर तैयार है। इसे आप इवनिंग स्नैक्स में या कभी भी बनाकर खाइए। ऊपर से एक नींबू का रस अच्छी तरीके से मिला देते हैं, इससे इसका जो टेस्ट होगा ना बिल्कुल खट्टापन आएगा। अच्छी तरीके से मिला दे। देखिए, बिल्कुल रेडी है हमारा चना चाट मसाला। चलिए इसे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चलते हैं। तो इसे हम सर्विंग प्लेट में डालेंगे, तो देखिए गर्मा गर्म चने की चाट और चाय मिल जाए तो इसका टेस्ट डबल ही हो जाएगा। देखने में कितना यम्मी, बनाने में आसान, सुपर टेस्टी रेसिपी। इसे जल्दी बनाइए और खाइए, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। इतना टेस्टी कि बनाने में से टाइम भी नहीं लगेगा और झटपट बनकर ये तैयार हो जाएगी। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।